Hello friends, welcome to English e-learning. Today I have brought some words for you where N is silent. ऐसे शब्द लाई हूँ जिनमें N जो word जो alphabet है हम use तो कर रहे हैं लेकिन हम उसको pronounce नहीं कर रहे हैं. That means it is silent. लिखा जाता है लेकिन बोला नहीं जाता है. So ऐसे कौन से शब्द हैं? ऐसे शब्द थोड़े कम हैं जिनमें N silent है लेकिन हैं. हम ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यूज़ करते हैं. कौन से शब्द हैं ऐसे? चलिए देखें. फर्स्ट इज़ डैम. डैम, डैम यू. ऐसे कभी कभी हम गुस्से में किसी को कुछ गंदा बोलना होता है तो हम बोलते हैं डैम यू. यू डोंट अंडरस्टैंड दैट? व्हेन आई यूज़ द वर्ड डैम, मुझे लग रहा है मैं डी ए एम डैम बोल रही हूँ लेकिन वो शब्द है डी ए एम एन. सो एम एन, एन उसके साथ जुड़ा हुआ है लेकिन हम उसको उच्चार नहीं कर रहे, उसका उच्चारण नहीं कर रहे हैं. सो एन इज साइलेंट. दूसरा शब्द है ऑटम. ऑटम एक सीजन है. सो ऑटम ऐसा लग रहा है कि मैं ए यू टी यू एम या ए एम, ऑटम. सो ऑटम जब मैं बोल रही हूँ तो ये एक शब्द ऐसा है जिसमें भी एम के साथ एन जुड़ा हुआ है. एन इज साइलेंट. वी हैव टू राइट इन द स्पेलिंग बट वी डोंट हैव टू प्रोनाउंस इट. हमको लिखना ज़रूरी है लेकिन हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं. सो ऑटम, ऑटम. सो एन यहाँ साइलेंट है, यहाँ पर भी एन साइलेंट है. तीसरा शब्द कॉलम. हम जब पेपर पे कॉलम बनाते हैं ऐसे लाइंस के या बिल्डिंग के कॉलम्स होते हैं, सो कॉलम उसमें भी एम के साथ एन जुड़ा हुआ है लेकिन हम उसका उच्चारण नहीं करते हैं. स्पेलिंग होती है सी ओ एल यू एम एन. एम एन लिखा तो जा रहा है लेकिन उसको हम उच्चार नहीं कर रहे हैं या उसका उच्चारण नहीं कर रहे हैं. कॉलम. चौथा है हिम. एच वाई एम एन. हिम मीन्स एनी रिलीजियस सॉन्ग. जब हम रिलीजियस सॉन्ग गाते हैं, चर्चेस में हिम गाई जाती हैं, हमारे यहाँ पर भजन गाए जाते हैं मंदिरों में, तो जब हम हिम गाते हैं, हम कोई रिलीजियस सॉन्ग गा रहे हैं तो हमको लग रहा है एच आई एम बोल रही हूँ. एक्चुअली स्पेलिंग है एच वाई एम एन. एच आई एम भी हिम ही होता है, एच वाई एम एन भी हिम ही होता है. हमें ये देखना है कि हम किस संदर्भ में लिख रहे हैं या किस संदर्भ में बोल रहे हैं, तब हम स्पेलिंग लिखेंगे. सो एच वाई एम एन ये वर्ड सही है, इसमें एन साइलेंट है. एन साइलेंट वाले वर्ड्स कम होते हैं लेकिन मैंने ऐसे शब्द यूज़ किए हैं जो आप जनरली देखते हैं आसपास, आपके कोई यूज़ कर रहा है, कोई सेंटेंसेस में यूज़ कर रहा है, जब आप कोई कुछ पढ़ते हैं तो आपको ये वर्ड्स आते हैं, इसलिए मैं इनका जिक्र कर रही हूँ आज. सो दीज आर द वर्ड्स वेयर एन इज साइलेंट. आई होप आप ये वर्ड्स यूज़ करेंगे अपने कॉन्वर्जेशन में, अपने लिखाई में, एंड उसमें एन लिखेंगे लेकिन उसका उच्चारण नहीं करेंगे. आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. बाय फॉर नाउ. हैव अ नाइस डे.